नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। आज 27 अगस्त और साथियों इस समय की इस वीडियो के तहत शिक्षा विभाग और अन्य डिपार्टमेंट जुड़ी आपको 5 से 6 महत्वपूर्ण अपडेट दी जाएगी। तो सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आइए जान लेते हैं इस समय की महत्वपूर्ण अपडेट। सबसे पहले अपडेट यहाँ पर, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर कार्यालय आदेश, कार्मिक के उनके नाम के सामने अंकित अवधि का जो वेतन है कॉलम संख्या 9 में अंकित विद्यालय और कॉलम संख्या 8 में रिक्त पद है विरुद्ध वेतन आठ करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। संबंधित कार्मिक द्वारा यदि कॉलम संख्या 6 में अंकित अवधि के दौरान किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया है तो अवकाश स्वीकृति और उपस्थिति की पूर्ण जांच के बिना न्यायिक और अन्य संबंधित प्रकरणों में वेतन अर्थ नहीं किया जाए और वेतन आने पूर्व विभागीय परिपत्र क्रमांक शिवरा अधिवेशन दिया हुआ है 26/11/20 में जो है निर्देश उनकी पालना सुनिश्चित करें। तो वेतन आरण को लेकर के अपडेट और एम्प्लॉय का नाम, मूल पोस्ट है, मूल सब्जेक्ट उनकी, स्कूल ऑफिस नेम, स्टाफ सैलरी पोस्ट, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये लिस्ट जो जारी हुई है बड़ी लिस्ट है वेतन आरण को लेकर के, आप देख सकते हैं। और इन सभी आदेशों की पीडीएफ और सूचनाएं आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद में अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट है उसके ओर बढ़ते हैं। निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर प्राचार्य उच्च माध्यमिक विद्यालय और समकक्ष पद के शिक्षा अधिकारी जो कि वर्तमान में प्रतिनियुक्ति समाप्ति उपरांत अथवा प्रशासनिक कारणों से आदेशों की प्रतीक्षा में कॉलम संख्या 3 में वर्णित स्थान पर उपस्थित रहे तो कॉलम संख्या 5 में अंकित स्थान पर तत्काल पदस्थापित किया गया है। आप देख सकते हैं ये पहले यहां थे प्रेजेंट में इनके और पोस्टिंग प्लस ये, इस प्रकार से उनको पदस्थापित किया गया है प्राचार्य उच्च माध्यमिक विद्यालय और समकक्ष पद के जो शिक्षा अधिकारी है उनको। और ये लिस्ट आप देख सकते हैं, ये भी बड़ी लिस्ट है। इसके बाद में अगले जो महत्वपूर्ण खबर है उसकी ओर बढ़ते हैं। शिक्षा मंत्री आज जो है इस संबंध में बैठक लेंगे, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर व उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बिरुआ की बैठक 3 बजे शामिल होंगे। उसके बाद में खुद के आवास पर 5 बजे इस संबंधित जो है बैठक लेंगे। इसमें बैठक जारी है और बैठक में शिक्षा विभाग में रिक्त पदों पर भर्तियों को लेकर के चर्चा संभव है, साथ ही राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा पर भी विचार होगा। ये आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण अपडेट। और इसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा श्री गंगानगर कार्यालय आदेश, इसमें दिव्यांगजन और एससी एसटी के विरुद्ध चयन भर्ती की नियुक्ति पर पदस्थापना आदेश जारी किए गए थे, लिपि ग्रेड 2 कनिष्ठ सहायक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2013। तो यहां पर 4/24 के द्वारा मूल नियुक्ति आदेश में सही मेरिट क्रमांक संशोधित किए जाने पर कार्मिकों के कॉलम संख्या 9 में संशोधित वरिष्ठता क्रमांक न्याय करते हुए कॉलम संख्या 3 में दर्ज करते हुए वरिष्ठता क्रमांक को विलोपित किया गया है और उनकी लिस्ट आप देख सकते हैं। यहां पर वरिष्ठता सूची 20 से 22 में संशोधित 9 जिला वरिष्ठता क्रमांक उनके दिए हैं और संशोधित 9 मेरिट क्रमांक यहां 8वें नंबर के कॉलम में आप देख सकते हैं। इस प्रकार से यह लिस्ट जारी हुई है। इसके बाद में अगले अपडेट निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर संबंधित ही है, विषय में यहां पर कुछ देर ओनली। इसके बाद में इसमें विषय में आप देख सकते हैं राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह 24 के संबंध में जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अग्रेषित आवेदन प्रस्ताव की समीक्षा और समीक्षा के बाबत, यहाँ राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह 24 के संबंध में राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है और सदस्य मनोनीत किया गया और यहाँ पर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह 24 हेतु प्रत्येक जिले से प्रति कक्षा वर्ग 1 से 5, 6 से 8 और 9 से 12 हेतु एक एक पात्र शिक्षक के चयन के लिए जिला स्तरीय समिति द्वारा अग्रेषित आवेदन प्रस्ताव की समीक्षा करने और समीक्षा के उपरांत राज्य स्तरीय चयन समिति संबंध यहाँ पर ये आदेश जारी हुआ है। आप देख सकते हैं राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान बीकानेर और अजमेर संबंधित है। इसके अलावा पशु चर भर्ती पाठ्यक्रम को लेकर के हनुमान किसान जो है प्रयास करेंगे, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है संबंधित एग्जाम लेगा दिसंबर माह में, लेकिन अभी भी पशु चर जो भर्ती है उसका विस्तृत सिलेबस जो है बोर्ड ने जारी नहीं किया है, उसको लेकर के युवा परेशान है और पाठ्यक्रम का इस संबंध में इंतजार कर रहे हैं। तो कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो है बिंदु वाइज जो पाठ्यक्रम जारी नहीं किया उसको लेकर के हनुमान किसान इस संबंध में विधायक और अन्य इसके लिए जल्द कैबिनेट मंत्री और विभाग के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। और माननीय राज्यपाल महोदय श्री हरिभाव किशन राव बागड़ी जी की गरिमा उपस्थित में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में
महत्वपूर्ण जो निर्देश दिए गए हैं वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, चार पॉइंट्स यहाँ पर शामिल है। इसके अलावा जयपुर यूजीसी नेट परीक्षा की पहली पारी का जो पेपर स्थगित हो चुका है, इसमें कुकस स्थित संकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सेंटर पर जो हंगामा हुआ टेक्निकल समस्या की वजह से पहली पारी का पेपर नहीं होने पर जो है इस कारण से इसको स्थगित किया गया है। तो साथियों ये थी इस वीडियो में इस समय की महत्वपूर्ण अपडेट्स, मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।